आज से विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। यात्रा के तहत यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 11 मई को खोले जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर श्रीगणेश हुआ। मन में आस्था के दिए जलाए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के दर्शन किए। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 11 मई को खोले जाएंगे। परंपरागत रूप से शीतकाल के दौरान भारी बर्फबारी की चपेट में रहने की वजह से चारों धामों के कपाट हर साल अक्टूबर नवंबर में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं और प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार बसंत पंचमी के आसपास गर्मियों में तीर्थ स्थलों के कपाट खुलने के मुहूर्त विधि विधान से निकाले जाते हैं। ढोल लंगाड़ों की आवाज और सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। कपाट खुलते ही पूरी केदार नगरी जय बाबा केदार और जय भोले भंडारी के जयकारों से गूंज उठी। आपदा के बाद पहली बार केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। दोपहर करीब 12:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। माँ गंगा की डोली अपने मायके मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए विदा हुई और गंगोत्री धाम में विशेष पूजा अर्चना के बाद माँ गंगा की डोली और मूर्ति को सिंह लग्न में मंदिर में स्थापित कर दिया गया। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर के पॉल ने इस बार सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों का किराया एक समान 7,000 रुपए तय कर दिया है। एक तरफ का किराया 3,500 रुपए होगा। अधिकारियों की माने तो इस बार श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं, सड़क और आवागमन व्यवस्था सहित सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखते रहिए डीवी लाइव।